प्रभाव रहते नन्हे बच्चों के स्कूल अभी बंद है। बच्चों के साथ दीपोत्सव में एनबीसी न्यूज की टीम ने उनके उत्साह में इजाफा करते हुए एंकरिंग का मौका दिया। तब बच्चों ने भी कलात्मक एंकरिंग करके अपनी खुशी जाहिर की। छोटे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए दिवाली के दीप उत्सव में कोरोना काल में स्कूल भी बंद है। तब बच्चों के अंदर छुपी हुई कला को आगे लाने के लिए एनबीसीएन न्यूज द्वारा बच्चों के अंदर का उत्साह जागृत करने के लिए एनबीसीएन न्यूज टीम के साथ एंकर करने अपना उत्साह एनबीसीएन न्यूज के साथ शेयर किया। तब बच्चों ने भी अपनी कला एंकरिंग करके साझा की और वीडियो एंकर से बच्चे उत्साहित हुए। सभी छोटे उम्र के बच्चे इस उपक्रम से उनकी खुशी समाई नहीं जा रही थी। मैं श्री जितनकर कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। एनबीसीएन हम घर बैठे बहुत बोर हो रहे थे, तभी एनबीसीएन न्यूज ने हमें कैमरा के सामने रिपोर्टिंग करने का मौका दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप एनबीसीएन न्यूज को सपोर्ट करें और आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। कोरोना काल में हम बहुत बोर हो रहे थे, पर हमें एनबीसीएन न्यूज ने हमें कैमरा के सामने बात करने का मौका दिया है। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एनबीसीएन न्यूज को सपोर्ट करें और आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सुरभि नरकर। कोरोना काल में हम बहुत बोर हो रहे थे, तो एनबीसीएन न्यूज ने हमें मौका दिया है कि हम रिपोर्टिंग करें। हमें बहुत मजा आ रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एनबीसीएन को सपोर्ट करें और आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में हमारी स्कूलें बंद है, हम घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, पर अब हम बोर नहीं हो रहे। एनबीसीएन न्यूज ने हमें एंकरिंग करने का मौका दिया है, तो मैं आखिर में कहना चाहूंगा एनबीसीएन न्यूज को सपोर्ट करें। धन्यवाद। हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट, एनबीसीएन न्यूज, नागपुर।